हरे कृष्णा। आज का विषय है श्री रामचरितमानस में जब भरत जी श्री राम जी को ढूंढते हुए जा रहे थे तब इंद्र ने उन्हें रोकने की चेष्टा की। कैसे की? गुरु बृहस्पति जी को बोले कि अगर भरत और श्री राम जी आपस में मिल गए, उनकी भेंट हो गई, तो भरत जी कहीं श्री राम को घर वापस न ले जाएं। तो अगर वो घर वापस चले गए तो उनका जो उद्देश्य है, श्री राम जी का अवतार लेने का उद्देश्य है देवताओं की रक्षा करना है, तो उनका वह उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। तो इंद्र ने षड्यंत्र रचने की कोशिश की। उन्होंने गुरु बृहस्पति से कहा कि कुछ भी छल कीजिए पर इनको भेंट ना होने दीजिए। तो बृहस्पति जी ने उन्हें समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं है, भरत जी भगवान के सेवक हैं, उनके भक्त हैं, अगर उनके खिलाफ आप कुछ षड्यंत्र रचेंगे तो आपको उसका प्रभाव बुरा असर देखना पड़ेगा, श्री राम जी की क्रोध अग्नि में आपको जलना पड़ेगा। अर्थात इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमें कभी भी भक्तों के अगेंस्ट, भक्तों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। भगवान हो सकता है कि उनके खिलाफ कुछ करने वालों को कोई दंड न दें, उनको क्षमा कर दें, लेकिन अगर उनके भक्तों के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो उन्हें भगवान कभी क्षमा नहीं करते। बल्कि भक्तों की बातों को हमेशा समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और जैसा वो बोले उन नियमों का पालन करना चाहिए। उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा करते हैं। जय सियाराम।